अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल बाइक्स डॉक्टर इन कराची। मैं अजय कुमार और मेरे साथ उस्ताद नवीद है। आज हम जा रहे हैं अपने गांव शहर डिस्ट्रिक्ट बदीन सिटी मातली में CG125 पे। सुबह 7 बजे का टाइम है, सर्दी भी बहुत है। अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ते के लिए। सुबह सुबह ना होटल पे पहुँच चुके हैं, ये हमने नाश्ता किया है। उस्ताद भी हमारे साथ है, रेडी हैं हम पठान की चाय के साथ। पंजाब कॉलोनी गिजरी से अब हम निकल रहे हैं, ये हमारी बाइक है, हमें दुआओं में याद रखना। हम निकल चुके हैं अभी सुबह सुबह। पहले तो कराची में सर्दी नहीं होती थी, हम शहरों की तरह निकल तो गए हैं, लेकिन आज सर्दी बहुत है। अब हम आगे भी आपको बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या होता है। सर्दी तो आज बहुत ही ज़्यादा कुछ है। ये सुबह हम निकल चुके हैं, ये देखें, हम अभी हम अल्तमश पे पहुँचे हैं। अब ये हम आपको व्यूज़ भी दिखाते हैं। सुबह माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है, आप देख सकते हैं। आगे भी आपको दिखाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अब हम डिफेंस मोड़ वाले रोड पर हैं। रोडों पर सन्नाटा और बड़ी ही खामोशी है। सर्दी का मैं आपको बता नहीं सकता, पहले तो शायद कराची में इतनी सर्दी नहीं होती थी जितनी आज है। शायद ऐसा लगता है कि हम निकले इसी वजह से ही सर्दी। अभी हम कोरंगी के रोड पर पहुँच चुके हैं, बहुत सारे लोग भी हमारे साथ हैं, कोई काम पे जा रहा है, कोई दफ्तर जा रहा है, सर्दी भी बहुत है। तो अभी आगे देखने के लिए हम गांव जा रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अभी हम जो है ना डिफेंस छोड़ के अभी हम कोरंगी वाले रोड पे चढ़ेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। ये पुल पे देखें, आवाम ही नहीं है, सर्दी बहुत है और धुंध भी आपको नज़र आ रही होगी थोड़ी बहुत। तो आगे आपको देखना है कि व्यूज़ कैसे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। सुबह 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, धुंध आपको नज़र आ रही होगी। हम अभी कोरंगी वाले पुल पे हैं, अब हम गोदाम चोरंगी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देखें, हमारे साथ जुड़े रहें। सर्दी तो थी ही, लेकिन हम जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही हवा ज़्यादा तेज़ होती जा रही है हमारे साथ। अब देखते हैं, हमने सफ़र का आगाज़ तो शुरू तो कर दिया है, अल्लाह ही मालिक है अब हमारा, तो हमें पीछे की तरफ भी हटने वाले नहीं हैं। अब हम गोदाम चोरंगी पहुँचे हैं, यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया शुरू होता है, तो काफ़ी रौनक नज़र आ रही है हमें। कोई अपने काम पे जा रहा है, कोई दफ्तर जा रहा है, ये देखें, दोनों तरफ फैक्ट्रियाँ ही हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। तो आगे जाके पेट्रोल भी हमने भरवाना है। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं अपने काम के लिए, यहाँ पे रौनक है कुछ। इस बस को तो आप जानते ही होंगे, जो कराची आता है वो ज़रूर बैठता है। ये चाचा तो हमसे ही तेज़ जा रहा है, लगता है इसे जल्दी ही है आज दफ्तर जाने की। अब हम शान चोरंगी पे पहुँचे हैं, शान मसाला तो आप खाते ही होंगे, तो अब हम चोरंगी क्रॉस कर रहे हैं। दोनों तरफ फैक्ट्रियाँ ही फैक्ट्रियाँ हैं, देखें आप। अब हम पेट्रोल भराने जाएंगे, हमने सुना है कि ताज का पेट्रोल पम्प बहुत ही अच्छा होता है, तो अब हम ताज पेट्रोल पम्प की तरफ बढ़ेंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारा गांव मातली डिस्ट्रिक्ट बदीन 250 किलोमीटर दूर है, और हम कितने का पेट्रोल डलवाएंगे ये भी आपको दिखाते हैं आगे चल के। ये हम ताज पेट्रोल पम्प पर पहुँच चुके हैं, ये ताज का पेट्रोल पम्प है, अब हम पेट्रोल डलवाते हैं इसमें। हमसे पहले भी कुछ बंदे खड़े हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि कितने का डलवाना है, जबकि हमने डलवाना है 1990 रुपये का। तो ये पैसे लगा रहा है, अब डलवाएंगे पेट्रोल। सोच रहे होंगे कि हमने 2000 का क्यों नहीं डलवाया। सब ये कहते हैं कि ये फिक्स पेट्रोल में जो है ना ये काटते हैं पेट्रोल, तो इस वजह से हमने 1990 रुपये। इस बात से होशियार रहें, ये पेट्रोल डलवा रहे हैं भाई साहब, अब हम उसको पैसे दे रहे हैं। ये देखें, 2000 हमने उनको दिए, 10 रुपये उनसे रिटर्न लिए वापसी। अब मैं दिखाता हूँ आपको पेट्रोल, ये देखें पूरा पेट्रोल डल चुका है, ये टैंकी में भी कुछ नज़र आ रहा है। हैदराबाद पहुँचने वाले हैं, सूरज की किरणें भी हमें नज़र आ रही हैं, सामने सूरज है, उम्मीद है कि आगे सर्दी कम होगी, लेकिन धुंध बहुत ही ज़्यादा है, तो देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है। ये हम कायदाबाद पर रश भी बहुत है, ये देखें, मलीज पीपल्स पार्टी वालों ने लगाया भी हुआ है। अब हम कायदाबाद क्रॉस करेंगे, मंजिल पंप की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं आपको नहीं बता सकता, क्या मैं आपको बताऊं कि कितनी सर्दी है।
ये सामने सूजगी वाले को देख सकते हैं आप, बेचारा कैसे बैठा है सर्दी की वजह से। अब हम ठट्ठा की तरफ बढ़ रहे हैं और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। आगे मैं आपको किंजर झील भी दिखाऊंगा, मकली का कब्रिस्तान भी दिखाऊंगा, और हम आगे आपको बहुत सारे तारीखी जो प्लेसेस हैं वो ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन वो भी थोड़ी झलकियाँ, क्योंकि हम गांव की तरफ जा रहे हैं उस वजह से टाइम की भी बड़ी शॉर्टेज है, लेकिन धुंध भी बहुत है, आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी। अब हम मकली पहुंचने वाले हैं। मकली कब्रिस्तान आपको पता ही होगा, बहुत ही कदीमी कब्रिस्तान है, जहां अब्दुल्ला शाह साहबी की मज़ार भी है, और अब्दुल्ला शाह गाजी जो क्लिफ्टन कराची में है, और ये अब्दुल्ला शाह साहबी हैं जो तारीखी कब्रिस्तान मकली में उनकी मज़ार है। आगे हम आपको दिखाते हैं उनकी मज़ार भी, आगे चल के मकली का कब्रिस्तान आएगा। ये सामने सूरज भी नज़र आ रहा है आपको। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये देखें, अब हम मकली का कब्रिस्तान क्रॉस करेंगे। राइट साइड पे अब आपको मकली कब्रिस्तान नज़र आएगा। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम ज़रूर आपको दिखाते, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर हम दिखाएंगे। और राइट साइड पे मंदिर भी है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा मकली कब्रिस्तान। ये देखें, ये सिंध का कदीमी कब्रिस्तान है जो ठट्ठा के करीब आता है, और ठट्ठा में भी आपको पता है बादशाही मस्जिद है, जो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ घूमने भी आते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगा, ये कलरी झील भी आती है, जिसको हम किंजर झील सिंधी में बोलते हैं। माशाल्लाह, ठट्ठा सिंध का बहुत ही कदीमी और तारीखी शहर है, जो पाकिस्तान से पहले कायम और दायम था और है। हमारे साथ जुड़े रहें। अब हम ठट्ठा पहुंच चुके हैं, सर्दी की वजह से बहुत ही बुरी हालत हो गई है। उस्ताद तो किट शिट में हैं, लेकिन मेरे पास मास्क नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ही बुरी हालत हो गई है। अब हमें चाय पीने का दिल कर रहा है, तो आगे होटल पर हम रुकेंगे और फिर चाय पियेंगे। होटल पर पहुंच चुके हैं, ये हम चाय सर्दी भगाने के लिए पी रहे हैं। ये हमारी बाइक खड़ी है, हमने सफ़र का आगाज़ शुरू कर लिया है। हमने अपनी बाइक भी जगह असाया अपर दादा दादा उत रहा हुआ असाई यादगिरी ना हुई असाई अबन ही वे तो कली झील शहर अग्न तो कली झील तो वे हाँ अस अगर तो एक प्यारी मोहब्बत मस्जिद झील से जे छंछर या आचर से काफ़ी मानू घूम खास करे कराची लो घूम ला हीर अस टाइम न हो इनशाला नेक्स्ट टाइम तक जरूर किंजर झील घुमाइंदी मकली कब्रिस्तान भी घुमाइंदी इनशाला बादशाही मस्जिद भी घुमाइंदी तक अस छो तो असि दोस्ती शादी अटेंड करनी हुई जैसे कर निकतासी मेन मकसद असो शादी अटेंड करण हो सो अस टाइम न हो अस सोच कुछ नज़ारा दिखारियो ए 1-5 से सफ़र की कबा वो भी बुधाऊँ अगत हली इनके करो आ सो अस ब्लॉग ठाण स्टार्ट किया आबादी रोडन ते तमाम घटा इन रोड ते काफ़ी गोठ जेके नंढा नंढा गोठ अचनता रस्ते ते हाने असा वधी रहे अग्या स्कूल भी सामू नजर अचे पियो ही किंजर जो स्कूल आ शायद आबादी भी रोडन ते आए अई बी गाल ता असांगे व्लॉग ठाण नहीं दो आ सोचसी ता दोस्तन का सिखी में अगे जी वद्यासी तो एकड़ो छोकरो नंढड़ो असें कडियो जैंजी बाइक में पेट्रोल न हो अस बोतल भी गोली सी लेकिन न मिलो तो अस उनके टो कयोसी सिंधी कम जो पा कंदा सामू पेट्रोल पंप नजर आयो पे अस छोकरे के मंजिल से पहुंचाईसी परेशान बिठो काफ़ी देर का असके वही प्यारी मोहब्बत से सलाह बही तो वो ती खिदमत क्यों चाय प्यारियों लेकिन अस टाइम जाम घट आ सो टाटा बार हाँ अस दरियाए सिंध से पहुंचने वाला हूँ असि सिंध की सूह जैसे करें सिंध सुती वे थी
दरिया सिंध जो पुल तमाम घणो वॾो आहे, जेको तक़रीबन न त 2 किलोमीटरनि ते आहे। हाणे हीउ ॾिसो, दरिया सिंध जो पुल आहे, माशाल्लाह तमामु ई ख़ूबसूरत नज़ारो आहे। दरिया सिंध ऐं हिन जो हिते जो मशहूरु पलो तव्हां शायदि कॾहिं खाधो हुजे, असां त जाम खाधो आहे छो त असीं हिते जाई आहियूं। हीउ ॾिसो, दरिया सिंध में पाणी तव्हां ॾिसी सघो था, कुझु पाणी आहे त कुझु ख़ुश्की आहे, लेकिन पुल तमामु घणो वॾो आहे। हाणे तव्हां ॾिसंदा त असीं पुल ते ई सफ़र करे रहिया आहियूं वॾी स्पीड सां ॿिन्हिनि तरफ़, ऐं परे परे ताईं तव्हांखे धुंध बि नज़र अचे पई, जेके असीं तमामु बहितरीन नज़ारो दरिया सिंध जो ॾिठोसीं। हाणे असीं अॻियां वधूं था, हवा बि जाम आहे, सीउ बि ॾाढो आहे। हाणे हीउ ख़ुश्क इलाइक़ो आहे दरिया जो, माशाल्लाह तमामु ई घणो ख़ूबसूरत नज़ारो हुयो। सोचियोसीं तव्हां दोस्तनि खे बि ॾेखारींदा हलूं, ॿी ॻाल्हि त व्लॉग सोची तव्हां दोस्तनि खे बि ॾेखारींदा हलूं, व्लॉग ठाहिणु न ईंदो आहे असांखे एतिरो, जेका ॻाल्हि आहे। हाणे असां पंहिंजे शहर जे वेझो पहुचण वारा आहियूं, ॿिन्हिनि साइडनि खां माशाल्लाह हरियाली ऐं हरियाली आहे, ख़ूबसूरती तव्हां ॾिसी सघो था ॿिन्ही साइडनि खां सावक। बसि हाणे पहुचण वारा आहियूं 3-4 किलोमीटर, फाइनली असां पंहिंजे शहर में हाणे एंटर थी चुका आहियूं, ऐं थोरी एक्साइटमेंट बि वधे पई छो जो घर वारनि सां बि मिलंदासीं। ऐं जीअं असां थोरो अॻियां हलियासीं त असांजे शहर जी पुलिस माशाल्लाह घर में एंटर थियण वारे गाॾियुनि खे चेकिंग कई, बसि उहो असांखे बि रोकियो, असीं बि बीठासीं, वरी उन्हनि सां हाल अहिवाल बि कयोसीं। सो सुठी ॻाल्हि आहे छो जो असांजे शहर जी पुलिस अमन अमान लाइ इहो कमु हमेशह कंदी रहंदी आहे। हुन खां पोइ फाइनली असां पुछी वियासीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कयो, शेयर कयो, सब्सक्राइब कयो पंहिंजे दोस्तनि सां, ऐं असांखे कमेंट्स में ज़रूरु ॿुधायो त तव्हांखे असांजो पहिरियों व्लॉग कीअं लॻो। थैंक